इन माया जगदीश गोसाई तुमरे चरण बिसारे किंचत प्रीत न उपजे जन को जन कहाँ करे बिचारे। रंचक मात्र भी प्रभु दी प्रीत नहीं पैदा होंदी। क्यों? कारण इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे। हे प्रभु तू भुलिया कारण माया, तू चेते चो निकलिया कारण माया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते ने ओ इष्ट भी माया जो दीवार बन जाए, ओ परिवार भी माया जो ईश्वर दे विचकार दीवार बन जाए, ओ धन भी माया जो ईश्वर दे विचकार दीवार बन जाए। जो धन दी दीवार नूं तोड़ देवे उसे नूं विशिष्ट आख्या गया, उसे नूं वैश आख्या गया, उसे आख्या गया ये श्रेष्ठ है। सेठ का मतलब की है? श्रेष्ठ। संस्कृत जा जो श्रेष्ठ शब्द है उसे दा ही अपर भ्रंश होके उच्चारण होया है सेठ। श्रेष्ठ सेठ धन कोल है, धन विच ऐसा सिर मारे है दीवार तोड़ के रख दिती है, लंघे अगे ये हुण श्रेष्ठ हो गया। परिवार नाल ऐसा सिर मारे है परिवार दीवार दीवार नहीं रही, सहायक हो गए ने, ये महान हो गया, ये तपीश्वर हो गया और ये अवतार तो भी अंगे लंगे है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ऐसा सोचते ने शायद सिख शायद श्रद्धालु इस दीवार नू ना तोड़ सके। केड़ी? गुरु दी दीवार, इष्ट दी दीवार। हो सकता है धन दी दीवार ओ तोड़ देवे, परिवार दी दीवार ओ तोड़ देवे, और ये जो सामने अवतार खड़ा है जिस नाल इसने श्रद्धा दा बड़ा भारी रिश्ता जोड़े है, इस दीवार नू किधरे तोड़न दे च ए सिख असमर्थ ना हो जाए, चलो इस दीवार नूं असीं आप तोड़ दें। आपने ऐलानिया कह दिता जो हम को परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में पर हैं, मोको दास तवन का जानो या में भेद न रंच पछानो, मैं हूं परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा। एक दास हां, एक निमाणा सेवक हां, मैं परमात्मा नहीं। फिर भी अगर कोई अपनी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ करता है कि इस दीवार तो अगे लंघन की कोशिश नहीं कर रहा, जबकि गुरु दीवार नहीं द्वार है, पर मनुख द्वार नु बंद करके दीवार बना सकता है। वो द्वार भी दीवार ही है जो बंद है, दीवार तो नहीं लंघ सकता, बंद द्वार तो भी नहीं लंघ सकता। श्रद्धा जिथे रुक गई अवतार ते, ओ अवतार बंद द्वार बन गए, ते बंद द्वार दीवार ही होया करदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लंबी सोचनी, शायद ए दीवार सिख तो ना टुटे असी खुद तोड़ दें। आप स्वयं एक पासे हो गए और आख्या जुड़ो उस सच नाल, जुड़ो उस प्रभु नाल, और जैसे ए दीवारां हटदियां ने मनुख दी दृष्ट पहुंच जाती है, और ओ जो अदृश्य परमात्मा है दृश्यमान हो जाता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, मैं पेखे ओरी ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। ईश्वर ऐसा है जिस बारे असी दावे नाल कह सकते हैं है। माया नू साडे देश दे ऋषि मुनिया ने कहा है अनर्वचनी। अनर्वचनी दा मतलब है शायद है शायद नहीं है, शायद नहीं है शायद है।
दावे नाल नहीं कह सकते है, पर दावे नाल ए भी नहीं कह सकते कि नहीं है। दोवें गल्लां पूरियां उतरन जिसते शायद नहीं है शायद है, इसनू कहिंदे ने माया। इसनू फिर जिस ढंग नाल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने समझाण की कोशिश की है वो इस तरह है। नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। नरपत राजा सो गया रात नूं अपनी सेजा थे, तो नींद कल्ली नहीं आउंदी, नींद अपने नाल बहुत वड्डी सुपनियां दी भेड़ नूं लेके आउंदी है। विद्वान जिन्हां ने सुपनियां दे उत्ते बहुत वड्डा कम कीता है वो कहिंदे ने अगर एक कोई मनुख 7 घंटे रात नूं सुत्ता है तो सिर्फ 20 मिनट ही ऐसे ने जद सुपने ना चले होन, सारी रात सुपने चलदे ने, और हर 15-20 मिनट दे समय दे अंतराल दे सुपना बदल जांदा है, नवा शुरू हो जाता है और नवा शुरू हो जाता है। इस राजे नूं सुपना आया है कि भिखारी बन गया है, दर दर दे खड़ा होके भिक्षा मंग रहे है, और अचेतन मन विच ख्याल में ते राजा भिखारी हो गया दुखी हो गया। हुण ये जो माया नूं आख्या है शायद नहीं है, तो इत्थे गल पूरी उतर दिए कि भिखारी होना नहीं है, ये नहीं है, लेकिन भिखारी होण दा जो दुख भोग रहा है वह है, वो ते है, दुखी हो रहा है, बेजार हो रहा है, मन प्रभावित हो रहा है। मन उतना ही प्रभावित होता है जितना जागृत अवस्था दे प्रभावित होवे। रात नूं सुपने दे धन मिले है अचानक, मन उतना ही प्रभावित होवेगा जितना जागृत अवस्था दे। सुपने दे दुराचार कीता है मन ते तन उतना ही प्रभावित होवेगा जितना जागृत अवस्था दे। सुपने दे कतल कीता है मन उतना ही भयभीत होवेगा और तन उतना ही प्रभावित होवेगा जितना जागृत अवस्था दे। सुपने दे प्रभु मिले है, सुपने दे परमात्मा दी झलक देखी है, मन उतना ही प्रभावित होवेगा, तन उतना ही प्रभावित होवेगा जितना के जागृत अवस्था दे। जाग के पता चलिया, जैसे अख खुली पता चलिया वो भिखारी होना नहीं सी, मैं राजा हां, पर जैसे सो गया राजा होना नहीं है भिखारी है। इसनों गुरबाणी इंज कहती है किधरे ऐसा ते नहीं, रात नूं जो सुपना सी वो बंद अख दा सुपना सी, वो दिन दा जो सुपना सी वो खुली अख दा सुपना सी, किधरे ऐसा ते नहीं सी कि राजा होना दिन दा सुपना सी, भिखारी होना रात दा सुपना सी, किधरे ऐसा ते नहीं। इसनों एक आप बीती दे रूप दे चीन दे एक प्रसिद्ध संत ने भी लिखण दी कोशिश कीती है। सवेरे सवेरे उठे है ए फकीर जिसका ना लाओत्से सी, इसते चेले शिष देख के हैरान होए आज गुरुदेव बहुत बेचैन ने परेशान ने, चेहरा कुमलाया होया है मुरझाया होया है, हाथ जोड़ के बेनती की थी गुरुदेव ऐसा की हो गया कि आप इतने बेचैन इतने परेशान इतने दुखी। लाओत्से कहिंदे ने ऐ मेरे बच्चे हो, रात नूं मैनूं सुपना आया है और सुपने विच मैं तितली बन गया, उड़दा रहा। सारे विद्यार्थी हस पे,
सारे शागिर्द हस पे। सुपना ही ते सी, सुपने दे तितली बने हो तो इतना परेशान होने दी की लोड़, इतना दुख तोड़ दी की लोड़। लाउत से कहिंदा है, ए मेरे बच्चों मेरी गल ते पूरी सुनो। रात नू जज मैं सौ गया, मैनू सुपना आया, मैं तितली बन गया, जागया तितली नहीं है। और दुखी बेचैन मैं इस गल ते आ, किधरे ऐसा ते नहीं लाउत से नू सुपना आया है, वो तितली बन गया है। ते तितली नू किधरे सुपना आया होवे तो लाउत से बन गया होवे, ऐसा ते नहीं किधरे। हुण ये कौन फैसला करे, तितली दा सुपना लाउत से है या लाउत से दा सुपना तितली है, ये कौन हल करे, ये कौन समझावे, ये कौन स्पष्ट करे। बस मैं इसे ही दुविधा विच पिया, इसे नू सुलझाण दी कोशिश कर रहे हां। तो सारे विद्यार्थी पुछदे ने, तुसी साडे गुरु, तुसी स्पष्ट करके सानू दसो वास्तविक की है, की है। तो लाउत से कहने, ऐ मेरे बच्चे सुन लो। फिर लाउत से दा सुपना सी तितली, तितली भावे सुपना मेरा देख सकती है कि नहीं, पर मैनू तो अज लाउत से सुपना ही प्रतीत होता है। सुपना इसनो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करते ने, ज्यो सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। किमें जानी है, सारा जगत सुपना, और इस जगत देच परिवार ही सुपना नहीं, पदार्थ ही सुपना नहीं, धन संपदा ही सुपना नहीं, तेरा इष्ट भी सुपना है। इनू इन गुरु ते बयान करदे ने, राम गयो रावण गयो जांको बहु परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। अख खुलेगी तो इष्ट भी सुपना है, अख खुलेगी तो सब कुछ सुपना है। सुपने विच नवे संबंध स्थापन हो जांदे ने, जागृत अवस्था दे सारे संबंध टुट जांदे ने, और जाग के स्वप्न अवस्था दे संबंध टुट जांदे ने, जागृत अवस्था दे संबंध स्थापन हो जांदे ने। रोज ऐसा होंदा है, दिन दे संबंध रात नू टुट जांदे ने, रात दे संबंध दिन नू टुट जांदे ने, ऐसा ते रोज हो रहा है। लेकिन मनुख ऐसा मन लैंदा है, रात दे संबंध टुट गए ने, चलो सुपना सी, हुण इस पुरश नू कौन समझावे, दिन दे संबंध भी टुट गए ने, रात नू ए भी सुपना है। दिन नू तो प्रभावित हो रहे हैं, प्रभावित तो रात नू भी आना है। धन गुरु नानक देव जी महाराज वडहंस राग दे शब्द दे फरमान करदे ने, सुपने आया भी गया मैं जल भरिया रोए, आए न सक्का तुझकन प्यारे भेज न सक्का कोए। तू आया भी मेरे सुपने च आया, तो सुपना ते उदों तक ही चलता है जितने चिर तक नींद है। सुपने दा अपना पीरियड है, अपनी अवधि है, सुपने दा अपना समय है, 20 मिनट 25 मिनट सुपना ते टूटेगा, सुपना ते मिटेगा। कदी कदी सुपना इतना प्रभावित कर देता है कि मनुख की नींद टूट जाती है, अख खुल जाती है। कदी कदी ऐसा भी होता है, दिन दे सुपने भी इतने प्रभावित कर देते हैं और मनुख की वास्तविक अख खुल जाती है, और वो कह देता है मेरिया अखा ते अज खुलिया ने, असलियत अज नमोदार होई, असलियत अज मेरे ते जो है प्रगट होई। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते, सुपने तो मन प्रभावित हो गया,
मैं जल भरिया रोए अखां रो रही ने। पर है ए प्रभु मिलाप दा सुपना ते सुपने दे टुटदे आ ओ मिलाप ते टुट गया लेकिन मन ते जो प्रभाव बाकी है वो ते है। इस वास्ते साहिब कहंदे ना आए न सक्कां तुझ कन प्यारे भेज न सक्कां कोय। सारी रात कदी सुखत सुपने चलदे ने कदी दुखत कदी कोमल सुपने चलदे ने कदी डरावणे भयानक। दिन भी इस तरह ही लंघदा है कुछ सुख दे लम्हे लंघदे ने कुछ दुख दे कुछ मिलाप दे लम्हे लंघदे ने कुछ विछोड़े दे। कुछ हसदे होया समा लंघदा है कुछ रोंदे होया ते असी देखते हैं। दिन का सुपना भी इस तरह ही है कुछ चिंता दे चलंगदे ने फिक्र दे चलंगदे ने कुछ रस दे चलंगदे ने। रात दे सुपने भी ऐसे ने रात दे सुपने सवेरे जाग के सानू सारे दे सारे याद नहीं रहिंदे। जिहड़े सुपने खास ने विशेष ने जिन्हां ने बहुत प्रभावित कीता होवे चाहे वह दुखद सुपना सी या सुखद उस सवेरे जाग के भी याद रहिंदा है। जिंदगी एक सुपना है दिन दियां भी सारियां घटनावां सानू याद नहीं रहिंदियां उही याद रहिंदियां जिन्हां तो किधरे बहुत चोट मिली होवे या जिन्हां तो किधरे बहुत सुख मिलिया होवे उही याद रहिंदियां। बाकी तो सारा मनुख भुल जांदा है बाकी तो कुछ भी चेते नहीं रहिंदा। अगर मनुख किधरे जिक्र भी करदा है तो उसे दा जिक्र करदा है जिस घड़ी किधरे किसी तो बहुत चोट लगी है या किसी तो कोई सुख मिले है इसे दा ही ते जिक्र करता है बाकी ते नहीं। तो रात दे सुपने भी इस तरह दे ने। ये जो सुपना है धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे ने सिर्फ ओही सुपना नहीं जो तू रात नू वेख रहे हैं जो तू दिन नू वेख रहे हैं ये भी सुपना है। ज्यों सुपना अरपेखना ऐसे जग को जान। सुपना है नहीं है सुपने दे चो मिल जो मिले है दुख ते सुख नहीं है पर जो मन प्रभावित होया है उते है। दिन नू भी जो कुछ सानू मिले है ये नहीं है लेकिन मन जो प्रभावित होया है उते है। किधरे किधरे इसकी ऐसी भी व्याख्या कीती गई जो किधरे एक रूप बयान किया गया माया अनर्वचनी है एक रूप नहीं बयान कर सकते असी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है नहीं ऐसा कहना पड़ेगा शायद है शायद नहीं है है भी नहीं भी। आज तो 2500 साल पहले एक महान प्रतिभाशाली आत्मा जगत गुरु शंकराचार्य ने ऐलानिया क्या संसार नहीं है माया है माया है सब कुछ माया है। तो माया की है जो दिखाई देवे प्रभावित करे पर है नहीं। बनारस की गल गंगा तो इशनान करके आ रहे ने रस्ते देच एक खाक रूप अपनी झाड़ू नाल रस्ता साफ कर रहा सी। तो चूंकि जमीन साफ कर रहा है धरती साफ कर रहा है निगाहां भी धरती थे भांडे साफ करने ने तो निगाह भांडे ते रखनी पैंदी है बस्तर साफ करने ने तो निगाह बस्तरां ते रखनी पैंदी है। जमीन साफ कर रहा सी विचारे दियां निगाहां जमीन थे। कोलो लंगे शंकराचार्य झाड़ू छू गई उन्हां दे बस्तरां नाल उन्हां दे तन नाल गरज उठे शंकराचार्य ऐ दुष्ट ऐ शूदर तू मैनू भ्रष्ट कर दिता मैं हुणे तो गंगा तो इशनान करके आया तेरी छाया ने मैनू भ्रष्ट कर दिता। शूदर कुछ आत्मदर्शी सी पूर्वले संस्कारां करके कुछ रब्बी चिंतन करदा सी हाथ जोड़ के कहण लगा स्वामी जी सारा संसार माया है शूदर दी छाया माया नहीं है।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਏ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਇਹ ਛਾਇਆ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਇਆ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨਿਕਲੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੂਜਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਧਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣਾ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਸੁਪਨਾ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸੁਪਨੇ, ਚੰਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਨਾਬ ਹਾਫਿਜ਼, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝਲਕ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਕੀਰ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਥੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੰਗ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਗ, ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਮਖੁਨ ਬੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀ ਖਵਾਬਮ ਖੁਦਾਰਾ ਕਿ ਦਾਰਮ ਇਸ਼ਰਤ ਖੁਸ਼ਬਾ ਖਿਆਲਸ। ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਨੀਂਦ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਤ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਛੂਤੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਲਵਲੇ ਅੰਗੇਜ਼ ਰੁਬਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
उन्होंने भी देखा तदी ते सुपने नु कलमगन कलम बंद करन लई बैठ गए। हुण ही मैं अर्ज की थी दिन नु भी कुछ ऐसियां घटनावां घटदियां ने जिन्हां तो असी प्रभावित हो जांदे आ और सानू याद रहिंदियां ने ता जिंदगी। कुछ ऐसे सुपने भी ने जो भुलाए भी जानते नहीं भुलदे, बार बार याद आउंदे ने। उस सुपने बारे भाई साहब इंज कहिंदे ने, सुपने च तुसां मिले असानू, असां धा गलवकड़ी पाई, पर निरा नूर तुसां हथ ना आए, साड़ी कंबदी रही कलाई। तुसी ते निरा ही चानना, किसे दा दिन भी अंधेरा हुंदी है, किसे दा रात भी प्रकाशमान हुंदी, किसे दा दिन भी तारीख हुंदा है, किसे दी रात दी तारीकी भी महान प्रकाश महान उजाला हुंदी है। दरअसल कबरां दे उत्ते दीवे ते सारा जगत जलांदा है, जीवन दा दीपक कोई कोई जलांदा है। इसनु मैं किसे वक्त इंज बयान कीता सी, कौन जलाए मजारों पे दीपक, हम हयात को दीपक किए देते हैं। जिंदगी नु दीवा बनाण विच ऐसे जुटे हाँ, कौन कबरां ते दीवे जलाए, कौन मड़ियां ते दीवे जलाए। जद ऐसी सूझ पै जांदी है, हयात दा दीपक रोशन हो जांदा है, संसार दा रूप कुछ होर दिखाई देंदा है। जैसे अंधेरे च कुछ होर दिखाई देंदा है, रोशनी च कुछ होर दिखाई देंदा है, अख खुलदी है तो निरंकार दिखाई देंदा है, अख बंद होंदी है तो संसार दिखाई देंदा है। जिन्हां जिन्हां नूं संसार दिखाई देंदा है बंद अख है, ते बंद अख नूं ते कह सकदे आ अंधी अख। और जिन्हां जिन्हां दी अख खुल गई है उन्हां नूं निरंकार दिखाई देंदा है। और गुरु नानक ने ऐलानिया कह दिता, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण नाए, अंधे से ही नानका जो खसमो गुथे जाए। भूल के भी इन्हां नूं अंधा ना आखो जिन्हां दियां ये दो अखां कम नहीं करदियां। संसार नहीं दिखाई देंदा, ये नहीं अंधे। अंधे ओ ने जिन्हां दी तीसरी अख नहीं खुली ते निरंकार नहीं दिखाई देंदा। ओ तीसरा नेत्र है, उसनू अनुभव प्रकाश कहिंदे ने। ये दो अखां मिलियां ने, इन्हां दी वरतों कर ताकि एक दिन ये बंद होवन, उस तो पहले वो तीसरी अख खुल जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होंदा है एक दिन ये भी दो अखां हमेशा लई बंद हो जांदियां, तीसरी खुलदी नहीं, जिंदगी आकारत चली जाती है। तीसरी जब खुलती है तो निरंकार दिखाई देता है। ये दो खुलियां ने संसार दिखाई देता है, इंज कह लो अंधेरा दिखाई देता है, इन्हां दो अखां नाल प्रकाश उस तीसरी अख नाल जो है दिखाई देता है। अंधेरा दिखाई दे रहा है माया, और ये सारी माया उस प्रभु दी जो है छाया है। इस माया बारे शब्द शायद है शायद नहीं है, शायद नहीं है शायद है। जितनी देर दे असी कहिंदे आ नहीं है उतनी देर दे हो जाती है, और जद असी कहिंदे आ है उतनी देर दे ये नहीं हो जाती। असी कहिंदे आ बचपना है, एक दिन ऐसा आउंदा है कहिंदे ने नहीं है, फिर कहिंदे आ जवानी है, एक दिन ऐसा आ जाता है कह देंदे आ जवानी नहीं है, और एक दिन ऐसा आ जाता है कहना पैंदा है ये बुढ़ेपा है ये बुढ़ा है, पर एक दिन ऐसा भी हो जाता है नहीं रहा बुढ़ा। जो है ते कल ना हो जाए बस उसे नु माया कहिंदे ने, और जो है ते सदी भी है उसे नु सच कहिंदे ने, उसे नु परमात्मा कहिंदे ने, उसे नु ईश्वर कहिंदे ने। ईश्वर तो बाद अगर कोई समझण वास्ते धार्मिक दुनिया च हो